हाँ देखिए यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम लोग, या तो सॉल्व कर लिया हमने, तो हमने कहा ठीक है भाई माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 टी माइनस ऑफ 4.9, तुम्हारे पास टी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 40 माइनस एच इज इक्वल्स टू 20 टी माइनस 4.9, तुम्हारे पास टी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हमने कहा ठीक है सब्ट्रैक्ट करो तुम्हारे पास 1 फ्रॉम तुम्हारे पास 2, ठीक, 40 माइनस एच में से माइनस करो माइनस ऑफ एच, ठीक है, ये कितना हो गया 20 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर में से माइनस करो माइनस ऑफ 20 टी माइनस ऑफ 4.9 तुम्हारे पास टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसने कहा ये हो गया है 40 माइनस एच प्लस एच, ये हो गया 20 टी माइनस 4.9 तुम्हारे पास टी स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास 20 टी माइनस 4.9, ये हो गया प्लस 4.9 टी स्क्वायर, ये दोनों का काम खत्म, ठीक, ये दोनों का काम तमाम। 40 इज इक्वल्स टू कितना 40 इंटू तुम्हारे पास टी, टी इज इक्वल्स टू कितना 1 सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। इसने कहा 1 सेकेंड का समय लगेगा ये काम होने पे, इसने कहा ये थोड़ी ना पूछा, ये पूछा है कि बताओ कहाँ कोलाइड करेंगे, इसने कहा अभी बता दे रहे हैं, इसने कहा अभी बता दे रहे हैं, देखो कहाँ कोलाइड करेंगे बताते हैं। इसने कहा एच की वैल्यू निकाल, इसने कहा हाँ एच निकाल लो, इसने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एच इज इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू टी माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर का नेगेटिव, तो एच इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9, ठीक, इसने कहा कि ठीक है प्लस 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 हो गया, तो यहाँ पे निकाला तो एच की वैल्यू कितना हो गया 24.9 हो गया, मतलब ऊपर से 24.9 मीटर की दूरी है ऊपर से। इसने कहा हाँ फ्रॉम टॉप, फ्रॉम तुम्हारे पास जो है टॉप, फ्रॉम टॉप से इतनी दूरी है। इसने कहा ठीक है सर फ्रॉम बॉटम से कितना होगा, तो इसने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास बॉटम से निकालना है या फ्रॉम तुम्हारे ग्राउंड से निकालना है, 40 माइनस एच निकाल लो, 40 में से कितना गया 24.9 गया, तो ये हुआ 25 और ये हुआ 15, ये हुआ 15.1 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारे पास बिल्डिंग थी, ठीक है, इस बिल्डिंग से तुम्हारे पास ऊपर से तुम्हारे पास यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारे पास कितना 24.9 मीटर की दूरी है, और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक 15.1 मीटर की दूरी है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे आकर के ये दो बॉल जो है आपस में कोलाइड करेंगी, यहाँ पे आकर के दोनों कोलाइड करेंगी, इसको तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंका गया था, इसको तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया था। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। सभी लोग को बात समझ में आई, क्लियर हुआ फंडा यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट होता है अपना मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के जितने भी ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम थे मैंने करवा दिए हैं, अब एक दो पैराशूट वाले प्रॉब्लम है वो अगली क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं ग्राफ से पहले पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, कल ही मिलते हैं।